देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाई है 3 तरह की कचालू की चाट, जो आप व्रत में भी बड़े आराम से खा सकते हैं, और थोड़े से मसाले बदलने हैं तो इसको आप वैसे भी चाट बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है, और इसको हम व्रत में खा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। आप इसे व्रत में भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कौन सी, तीनों में से कौन सी चाट ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कचालू चाट। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये क्या है आप जानते हैं? आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो इसे कचालू, रतालू, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो इसे कहते हैं बड़ोका। इससे सब्जी भी बनाई जाती है, चाट भी बनाई जाती है, और व्रत में हम लोग मीठा बनाते हैं, वो भी हलवा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इससे व्रत में खाने के लिए चाट 3 तरह से आपको इसको बना के दिखाऊंगी, जिसमें कि हम चटपटा खाने को मन करता है हम वो भी खा सकते हैं। मैं इसका ये नीचे का हिस्सा निकाल दूंगी, ये, और ये ऊपर का हिस्सा, और इसको हम, ये जितना इस समय देखने में सख्त लग रहा है, उबलने के बाद ये उतना ही सॉफ्ट हो जाता है। देखिए, व्रत में ज़्यादातर आलू, अरबी, यही चीज़ें खाई जाती हैं, तो ये भी उसी श्रेणी का है, इसे हम कचालू कहते हैं। अब मैं इसे उबाल लेती हूँ कुकर में, 2 से 3 सीटी में ये उबल जाता है। मैं इसे उबाल लेती हूँ, उबालने के बाद मिलते हैं। ये देखिए, हमारे कचालू अच्छे से उबल गए हैं, अब मैं इनको सबको छील लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे कचालू छील लिए और इनको मैं अब काट लेती हूँ। जिन लोगों ने दिल्ली की कचालू की चाट खाई होगी उन्हें तो याद आ ही रही होगी कितनी टेस्टी लगती है वो चाट खाने में। और इस चाट को मैं आपको 3 तरह से बना के बताऊंगी। मैं सारे काट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे कचालू काट लिए और मैंने ये रखा एक पैन, पैन में डाला है घी। वैसे आप इन्हें तेल में भी तल सकते हैं और घी में भी तल सकते हैं, लेकिन व्रत में हम लोग तेल नहीं खाते हैं, इसलिए मैं घी में तल रही हूँ। और व्रत में हम बस साबूदाना, खिचड़ी और समा के चावल, इस तरह की ही चीज़ें खाते हैं, तो इससे टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और चटपटा सा भी हो जाएगा। इसलिए आप इस चाट को ज़रूर ट्राई करें। मैं ये इसमें, और अगर आपको तला हुआ नहीं खाना है तो मैं आपसे दूसरी रेसिपी भी इसकी शेयर करूंगी, वो भी बताती हूँ आपको कि आप इसको कैसे बिना तले भी इसकी चाट बना सकते हैं। वैसे ये चाट 2 तरह से मिलती है बनी हुई, एक तो तल के और एक उबालने के बाद, जैसे हम बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इतने हमारे कचालू तल रहे हैं, इतने हम दूसरी तरह अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मेरा दही, ये मैं आपको दूसरी तरह से बता रही हूँ कि हम कैसे कचालू को सर्व कर सकते हैं। और इसमें डालूँगी चीनी और नमक, क्योंकि व्रत का है तो इसलिए मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। वैसे आप इसमें जो जितना नमक डाल रहे हैं उसका आधा काला डालिए और आधा रेगुलर सॉल्ट डालिए, लेकिन क्योंकि मैं व्रत में बना रही हूँ तो व्रत में काला नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं, जो हम रेगुलर सॉल्ट होता है वो भी नहीं खाते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया इसमें डालना। और इस दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप इसको छान भी सकते हैं, छानने से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, जैसे हम दही बड़ों के लिए दही को छानते हैं, उस तरह से भी आप इसको छान सकते हैं छलनी में। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो इसमें भुना जीरा पाउडर डालिए। और मैंने आपको एक इंदौरी पोहे का मसाला बना बताया था, उस मसाले को डालिए तो चाय अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। इतने मैं दही फेंट रही हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। बस इसमें ये होना चाहिए कि दही थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा होता है तो वो आलू डालें दही बड़े में, दही बड़े बनाते हैं उसमें डालें तो वो उनसे लिपट जाते हैं, इसलिए थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च, पीसी काली मिर्च थोड़ी सी। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो चिली फ्लेक्स भी डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिली फ्लेक्स डालने से, लुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये मैंने दही में डालने के लिए थोड़े छोटे पीसेस काटे हैं, ये मैं सारे इसमें डाल दूंगी। और ये हमारे
दही वाले कचालू तैयार हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है दही में डाल के खाना कचालू। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस तरह से बनाएं और मुझसे शेयर करें कि आपकी चाट कैसी बनी। ये देखिए हमारे कचालू आपको दिख रहे होंगे कैसे ब्राउन कुरकुरे हो गए। जिनको गरम गरम खानी चाट पसंद है वो इस तरह से तल के खाएं। और घी में भुने हैं तो इनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा घी डाल के भी नहीं तले। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। आवाज़ सुन रहे होंगे आप कितने करारे हो गए हैं। अब मैं इनको कचालू को, ये हमने जो घी में सेके हैं कचालू, ये हमारे वो कचालू हैं, इसमें डालूंगी बारीक कटी हरी मिर्च। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर से एक बार कि मैं ये व्रत में बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें मसाले नहीं डाल रही हूँ। अगर आप भुना जीरा पाउडर सब मसाले व्रत में खाते हैं तो ज़रूर डालिए, काला नमक भी ज़रूर डालिए, लेकिन हम नहीं खाते तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ। ये मैंने डाला सेंधा नमक और नींबू का रस। वरना इसमें हम इमली की चटनी जो हम दही बड़ों के लिए बनाते हैं वो चटनी डालें, हरी चटनी जो हम बनाते हैं अगर आपके पास व्रत की बनी हुई है तो उस चटनी को भी डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिला लें। वो तो पत्ते पे सर्व करते हैं और टूथपिक से खाने के लिए देते हैं। ये मैं डालूंगी इसमें इमली की चटनी, ये मेरी व्रत वाले बनी हुई रखी थी, इसको मिला देंगे। और है हरी चटनी भी लेकिन मैंने इसमें भूल से काला नमक डाल दिया, इस वजह से हम इसे व्रत में सर्व नहीं कर सकते। और इसमें डालिए थोड़े अदरक के जूलियंस, थोड़े मूली के जूलियंस, ये बारीक कटी हुई मूली और अदरक हैं, ये चाट का टेस्ट दुगना कर देते हैं। और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कीजिए। चलिए मैं आपको तीसरा तरीका दिखाती हूँ। अब जो लोग ज़्यादा तला भुना नहीं खाते उनके लिए ऑयल फ्री, ये हमने कचालू काट के रखे थे, बारीक कटी हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च को ताज़ा ही कूट के इस्तेमाल करें, बहुत ही बड़ी खुशबू आती है। और ये सेंधा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अगर भुना जीरा खाते हैं तो वो जीरे वाला मसाला भी डालिए। देखिए मेरा ये मसाला है, मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर भी की हुई है। ये मैं ये चाट मसाला घर पे बना के रखती हूँ चाट में डालने के लिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आती है इसकी, लेकिन व्रत की वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो आप डाल सकते हैं बड़े आराम से। और ये नींबू निचोड़ेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी चटनी, इमली की चटनी वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा अदरक। आप सोच रहे होंगे लाल कैसे हो रहा है, ये मैं काट के और नींबू लगा के इस तरह से रखती हूँ। खाने में का टेस्ट भी बढ़ाता है और पचने में भी बहुत हेल्प करता है खाने को। और अदरक तो वैसे भी सबको ज़रूर खाना चाहिए। ये मूली के जूलियंस और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। ये थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर से, और अब इन पे हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेते हैं। हरा धनिया डालने से चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, देखने में भी ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको तीनों में से कौन सी चाट ज़्यादा पसंद है, आप कौन सी ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।